हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है फेशियल एट होम। फेस्टिवल्स का सीजन आ रहा है और सबको चाहिए कि उसका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करे। तो देखिए, मैंने अपने फेस पे कुछ भी यूज़ नहीं किया है, एकदम मेरा फेस क्लीन है। सिर्फ एक लिपस्टिक के सिवा मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया अपने फेस पे। मैंने बस फेशियल किया है, जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से ये फेशियल करना है। ये फेशियल जो है ये होममेड तरीके से है। फिर देखिए, मैंने लिटरली कुछ भी यूज़ नहीं किया अपने फेस पे, मेरा फेस एकदम ही क्लीन है। मैंने बस फेस को अच्छे से फेशियल करके वॉश किया है, दैट्स इट। और मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो अगर आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे नीचे जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो है कॉफ़ी, और जो सेकंड चीज़ है वो हमें ज़रूरत पड़ेगी हनी। इन दो ही चीज़ों से हम जो है आज का फेशियल जो है वो स्टार्ट करेंगे। और भी जो चीज़ें हैं वो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, वो कंपलसरी नहीं है। मेरे पास अवेलेबल है, मैं इसलिए इसका यूज़ कर रही हूँ। नहीं तो ये जो वीडियो है वो स्पेशली दो ही चीज़ों के लिए है, जो आज आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। देखिए, मैंने कोई भी फिल्टर भी यूज़ नहीं किया है, ये मेरा रियल फेस है। मैंने अच्छे से इसे वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले जो है हम करेंगे अपने फेस का क्लिंजिंग। क्लिंजिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्लिंजिंग मिल्क। क्लिंजिंग मिल्क बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यूज़ करना है रॉ मिल्क। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग मिल्क का यूज़ कीजिए, जिस अकॉर्डिंग आपका फेस है। बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा लीजिए, छोटा सा फेस है आपका तो थोड़ा कम मिल्क ले सकते हैं। तो मैं कॉटन के हेल्प से इसको मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पर स्प्रेड कर दूँगी, ताकि हम अच्छे से मसाज कर पाएँ। अच्छे से इसको अपने फेस पे लगाने के बाद मिल्क को हम अच्छे से मसाज करेंगे अपने फेस को। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमें अपने फेस को हमेशा सर्कुलर मोशन में ही मसाज करना है। अंडर आई के नीचे भी आप अच्छे से मसाज करें, जेंटली, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली हमें मसाज नहीं करना है। हल्के हाथों से ही हर जगह अपने पूरे फेस के हर एक पार्ट पर अच्छे से मसाज करना है, ताकि जो है हमारा पूरा फेस अच्छे से क्लिंजिंग हो पाए। इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि हमेशा आपके सर्कुलर मोशन में ही करें और अपवर्ड डायरेक्शन में ही करें। आप अंडर आइज़ के नीचे भी अच्छे से मसाज करें अपने फिंगर्स की हेल्प से, और अपने पूरे फेस में अच्छे से इसे मसाज करें। थोड़ा देर बाद आप फिर से इस मिल्क को अप्लाई कर लीजिए, ताकि ये ड्राई ना हो और अच्छे से आप मसाज कर पाएँ। तो देखिए, मैंने थोड़े से इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, आप आराम से जेंटली मसाज करें। देखिए, इस तरह से ही मसाज करना है। मसाज करने का तरीका अगर आपका सही रहा तो आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। अगर आप गलत स्टेप में मसाज करते हैं तो आपका फेस कम ग्लो करेगा। तो इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखें, जैसा वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ आप उसी तरीके से अच्छे से मसाज करें। तो देखिए, मैंने सारे मिल्क को है अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करने के बाद मैंने अच्छे से मसाज कर लिया है अपने फेस का। मसाज करने के बाद देखिए, ये हो गया हमारा पूरा जो प्रोसेस है क्लिंजिंग का, वो है कंप्लीट। अच्छे से चारों तरफ मैंने मिल्क को स्प्रेड कर दिया है। तो इसको हम, ये मिल्क है इसलिए हम इसे कुछ देर तक छोड़ देंगे, उसके बाद अपने फेस को आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद देखिए, मेरा फेस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये आपके सामने ही है, देखिए मैं कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं कर रही हूँ, एकदम रियल वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लिया है। फेस वॉश करने के बाद हम जो हमारा जो है वो है आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के लिए हमें यूज़ करना है स्क्रब, यानी कि होममेड तरीके से बना हुआ स्क्रब। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक चम्मच कॉफ़ी, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग ले लीजिए इसे भी। उसमें हम ऐड करेंगे हनी। हनी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसे अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए, इसे सेकंड स्टेप को हम स्टार्ट करते हैं और इसे अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। अपने फिंगर्स की हेल्प से आप अच्छे से अपने फेस पे इसे स्प्रेड कर लीजिए चारों तरफ, ताकि आप अच्छे से इसे स्क्रब कर पाए। देखिए, इसे अपने नोज़ के एरिया पे, फोरहेड पे, हर जगह आप अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको अपने दोनों हाथों से इसे जेंटली स्क्रब करना है। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रखी हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको स्पीड दिख रहा होगा, बट इसे आप जेंटली मसाज करिए, बहुत ज़्यादा हार्शफुली नहीं करना है। नॉर्मली आपको अपने हाथों से इसे मसाज करना है, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ। आप इसे राउंड करके सर्कुलर मोशन में ही मसाज करें आप, और इसे हमेशा
कभी भी अगर फेस का क्लिंजिंग या स्क्रबिंग करते हैं तो ध्यान रखिए कि हमेशा आप अपवर्ड डायरेक्शन में ही करें, उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं करना है। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स है तो आप शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ, ताकि जो आपके फेस पे जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये दाने जो हो रखे हैं, वो इसकी हेल्प से और अच्छे से रिमूव हो जाए। स्पेशली आप अपने नोज एरिया पे शुगर का यूज़ करें ताकि ये अच्छे से रिमूव हो जाए, क्योंकि ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स जो होते हैं वो स्पेशली हमारे नोज़ के एरिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप अपने नोज को अच्छे से स्क्रब करें और सर्कुलर मोशन में ही करें, ताकि हमारे जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हैं जो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो ये फ्रेंड्स हो गया हमारा स्क्रब कंप्लीट। 10 मिनट के बाद हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैं 10 मिनट आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि ये कॉफ़ी और हनी का मिक्सअप है तो फेस पैक का काम करेगा। बाकी जो बचा है उसे आप अपने बॉडी पार्ट्स में कहीं पे भी लगा सकते हैं, ये कहीं भी नुकसान नहीं करेगा। तो 10 मिनट बाद फेस वॉश करके मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स ये कर लिया है मैंने फेस वॉश, देख सकते हैं आप मेरे हर चेहरे पर हल्का हल्का ग्लो मुझे खुद ही फील हो रहा है। पता नहीं वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, बट मुझे पर्सनली जो है वो फील हो रहा है। मेरा फेस एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है क्योंकि मैंने कॉफ़ी और हनी का यूज़ किया है, जो हम दोनों ही हमारे फेस के लिए बहुत यूज़फुल है। तो हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं ऑन थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में हमें बनाना है एक फेस पैक, यानी इसके लिए हमें यूज़ करेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी के साथ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर के साथ हम अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद इसमें हम हल्का सा ऐड करेंगे हनी। हनी हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि हमारा फेस का जो मॉइस्चर हो वो कंटिन्यू रखे। मेरे पास अवेलेबल है टी ट्री ऑयल, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2-3 ड्रॉप टी ट्री ऑयल, जो हमारे फेस को ये और भी अच्छे से हमारे फेस मास्क को हमारे रिलैक्स फील कराएगा। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। और रोज़ वाटर की जगह आप चाहें तो मिल्क या फिर नॉर्मल वाटर भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये हमारा पेस्ट हो गया है तैयार। इसे हम अच्छे से कर लेते हैं अपने फेस पे अप्लाई, अपने फेस मास्क को, फेस मास्क या फेस पैक आप इसे जो भी बोले। इसे मैं अपनी ब्रश के हेल्प से अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी, कुछ इस तरीके से। आप हर जगह अपने फेस के हर जगह इसे अच्छे से अप्लाई करिए। नोज पे, अंडर आइज में भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी और हनी दोनों में से कोई भी चीज़ें जो हैं वो हमारे आइज़ को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो आप इसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए हर जगह, ध्यान दे के कोई भी जगह छूटने ना पाए। कई बार फेस पैक लगाने के टाइम हम बहुत सारी जगह छोड़ देते हैं, जैसे कि हमारे नोज़ एरिया को भी आप अच्छे से कवर करिए, ताकि आपका फेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का ना लगे, सेम कलर का ही लगे इसको लगाने के बाद। तो फ्रेंड्स इसे हम मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। इसे 10 से 20 मिनट तक ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद हम इसे अच्छे से वॉश करके आपके सामने फिर से आएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने कर दिया है अपने फेस को वॉश। देखिए आप पूरा ग्लो मुझे मेरे फेस पे आपको दिख रहा होगा। देखिए आप, मैंने कोई भी फिल्टर नहीं यूज़ किया है। मेरे फेस पे जो दाग है वो पहले से ही दिख रहा है, जिससे आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने कोई फिल्टर यूज़ नहीं किया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये रहा हमारा वीडियो, हमारा फेशियल करने के बाद का ग्लो जो है हमारे फेस पे। अच्छे से आप इसके बाद अपने फेस को टॉवल से ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद आप अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए और एक अच्छा सा स्लिप लीजिए। आपको सुबह उठ के आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लोइंग दिखेगा। ट्रस्ट में, आप जब ये फेशियल करेंगे आपको उस टाइम से ही आपका फेस जो है बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होगा, बेबी स्किन टाइप का आपको फील होगा। ऐसा फील होगा जैसे आप छोटे बच्चे की स्किन को जो है वो टच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होगा आपको। आप इसे ट्राई ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप भी इसे ट्राई कीजिए और ट्राई करके आप मुझे बताइए कि आपके लिए ये वीडियो इफेक्टिव रहा कि नहीं लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट जो है वो किस चीज़ का वीडियो देखना चाहते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।